YouTube गाइस में वापस आ गया हूं सभी के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग एनिमे अपडेट्स और साथ ही पोकेमोन सीजन 19 के रिगार्डिंग अपडेट्स लेकर। सो वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी की ओपनिंग वीक के कलेक्शन के बारे में। सो गाइस जुजुत्सु काइसेन जीरो इंडियन थिएटर में रिलीज हुई थी 30 जून को और अपने ओपनिंग वीक में ही इस मूवी ने 6 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन इंडिया से कर लिया है, जो कि एक एनिमे मूवी के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब गाइस इसने इतना अच्छा कलेक्शन किया तो मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो कितना अच्छा कलेक्शन करने वाली है। तो भाई 26 अगस्त को ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी आएगी, उससे भी जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी जितना सपोर्ट देना बल्कि उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट देना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर के न्यू एपिसोड्स के बारे में। सो गाइस ड्रैगन बॉल सुपर के कॉपी वेजिटा आर्क के एपिसोड्स आने वाले हैं 10 जुलाई दोपहर 1 बजे। बट आप जानते हैं कि कॉपी वेजिटा आर्क में सिर्फ 5 या 6 एपिसोड्स ही हैं, तो सिर्फ 5 या 6 एपिसोड के लिए सुपर संडे करना काफी वियर्ड हो सकता है, मतलब काफी वियर्ड लगता है। 5 या 6 एपिसोड के लिए वो सुपर संडे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमें फ्यूचर ट्रंक मतलब कि ब्लैक गोकू आर्क के भी कुछ एपिसोड दिखा दिए जाए, क्योंकि ब्लैक गोकू आर्क में काफी ज्यादा एपिसोड है, मतलब 30 कुछ एपिसोड है, तो क्या पता उसके कुछ एपिसोड इस सुपर संडे आ जाए और बाकी के बच्चे एपिसोड नेक्स्ट सुपर संडे में आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमारा सीएन है वो हमेशा हमें एक ही आर्क दिखाता है। बस फर्स्ट संडे को उन्होंने हमें 2 आर्क दिखाई थी छोटी, क्योंकि पहले में 19 एपिसोड थे और दूसरे में 8 एपिसोड थे, इसलिए उन्होंने 2 आर्क दिखा दी, लेकिन इसके एक साथ एपिसोड दिखाना काफी मुश्किल है। बाकी जो होता है हम इस संडे देख ही लेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीमॉन के बारे में। सो गाइस हमारे सूत्रों से हमें पता चला कि डिजीमॉन का प्रोमो शायद हमें इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिजीमॉन को आने में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उसका प्रोमो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो बस आप लोग प्रोमो का वेट करो, जैसे प्रोमो आएगा हमें डेट तो पता चली जाएगी। सो अब हम बात करते हैं हमारी मतलब वीडियो की, अब एंड आ चुका है, तो अब हम पोकेमोन के बारे में बात करते हैं, मतलब पोकेमोन सीजन 19 के बारे में बात करते हैं। तो जो पोकेमोन सीजन 19 को आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो गाइस अभी तक इसकी डबिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन काफी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अभी पता नहीं कब स्टार्ट होगी लेकिन काफी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी बात ये कि गाइस अभी तो पोकेमोन सीजन 16 चल रहा है, मतलब अभी एंड भी नहीं हुआ, उसके एंड के बाद हमें कई महीने बाद पोकेमोन सीजन 18 दिखाया जाएगा, और उसके एंड के बाद मतलब पोकेमोन सीजन 18 के एंड के कई महीने बाद हमें पोकेमोन सीजन 19 देखने को मिलेगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हैं पोकेमोन सीजन 19 का, बट गाइस अभी ये वेट थोड़ा और लंबा चलने वाला है, लेकिन जैसे ही आएगा तो हमें उसको अच्छी खासी टीआरपी देनी है, जिससे डिज्नी को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिले, क्योंकि आप लोग जानते हो डिज्नी को, क्योंकि मतलब डिज्नी कैसी टेलीकास्टिंग करता है पोकेमोन की, बहुत ही ज्यादा टाइम इंटरवल के बाद हमें पोकेमोन का कोई न्यू सीजन देखने को मिलता है। बाकी आप लोग अभी पोकेमोन सीजन 16 को एंजॉय करो, और जैसे पोकेमोन सीजन 19 की रिगार्डिंग या 18 की रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है, आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आज की सली वीडियो में इतना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।